कोलकाता से हमारे साथ सुभाष श्री, स्वागत है आपका। हेलो मैम नमस्ते। मुझे जी, पूछिए थायराइड के बारे में कुछ पूछना है। लेते बताइए बताइए। मैं देखी थी धनिया 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और आमला 100 ग्राम, फिर और के क्या कह रहे हैं और आगे? नमस्ते। गौन मौर्य, फिर से थोड़ा अब बोलिए तो। आप जो बोले थे मैं देखी थी, तीन तो चीज लिख ली हूँ, धनिया 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, सॉरी और क्या सॉरी। चाहिए? जी। अच्छा, धनिया 300 ग्राम लेना है। लिखिए धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, और 100 ग्राम लेना है गौन मोरिंगा। गौंद यानी गम, गौन मोरिंगा, ये सफ़ेद वाला लेना है, गौन मोरिंगा सफ़ेद। तो ये रॉ मटेरियल लेने हैं और घर पर पाउडर बनाना है। फिर एक एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम, तकरीबन 3 ग्राम, ये छोटा चाय का चम्मच होता है ना, ये आप लिया करें। और वो गोली भी लें थायराइड की जो आप खाते हैं, आप देखेंगे कि आपकी थायराइड की गोली हर महीने कम करते जाएंगे आपके डॉक्टर। जब आप अपनी पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट देखेंगे तो आपको भी काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, और धीरे धीरे आपकी थायराइड की गोली ख़त्म हो जाएगी, और आपके डॉक्टर के मशवरे से फिर आपका थायराइड भी ठीक हो जाएगा। और ये नुस्खे से आपको, इस नुस्खे से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी आपको निजात मिल जाएगी। जी, कॉलर है महाराष्ट्र से भगवान हमारे साथ, स्वागत है भगवान जी आपका। हाँ नमस्ते मैम, जी नमस्कार। ये डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। सर जी, महाराष्ट्र के भगवान साहब, आप बताइए क्या सवाल है। मेरे जो एक कान की तरफ से है ना, एक कान में आवाज आवाज आती रहती है, रात दिन आवाज आती 24 घंटे। ठीक है। देखिए हाँ डॉक्टर, जी हमारे बॉडी के नसें कमजोर हैं। जी जी ठीक है। तो देखिए, कान की आवाज़ के लिए आपको रोज़ाना 6 मिनट निकालने होंगे, और वो जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ आपको, वो करनी होगी। तो 15 दिन में जाकर फ़ायदा होगा आपको, ऐसा मत सोचना एक दिन में हो जाए, और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए, ये कान इससे मिलाइए, कंधे से, जैसे मैं मिला रहा हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ये मोंडा उठा दिया और कान मिला लिया, मोंडा बिल्कुल नहीं उठाना। ये आपको रोज़ाना 3 मिनट करना है, खूब ज़ोर से मिला दे बिल्कुल, ठीक है। और एक ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी 3 मिनट करना है। 3 मिनट एक साथ कोई नहीं कर सकता, एक एक मिनट करके 3 बार में करें, और शायद दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़े। और आप यकीन करें कि 15 दिन करना है, और 15 दिन में आपकी आवाज़ कहाँ गई, कान में जो शाएँ शाएँ चलती है, वो आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। ऐसा मेरा ज़ाती तजर्बा भी है। और नसों की कमज़ोरी के लिए गौन आता है, एक स्याह गौन, इसे काला गौन भी कहते हैं, नकली बहुत मिलता है, असली लेना है, रॉ मटेरियल लेना है, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाने के पश्चात लिया करें, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से, तो आपको नसों का भी फायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है हरिद्वार से, नेहा हमारे साथ, स्वागत है नेहा आपका। जी धन्यवाद मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरी बेटी है 8 साल की और उसके चेहरे पर बहुत बारीक बारीक से पूरे चेहरे पर तिल हो गए हैं, ठीक है तो मुझे उनके बारे में जानना था मैम। जी। हाँ, बहुत छोटी बच्ची है, उसको जी अगर वो खजूर खा सकती है तो जी एक अच्छी किस्म की खजूर सुबह और एक अच्छी किस्म खजूर शाम को दिया करें, और थोड़ा सब्र करें क्योंकि तो महीने 2 महीने में रिजल्ट आता है, बस ये काफ़ी है उस बच्ची के लिए। जी नेक्स्ट कॉलर है सुजाता जी हमारे साथ, स्वागत है सुजाता जी आपका। जी नमस्ते। जी नमस्कार बोलिए। बात करनी थी, मुझे थायराइड था उसके लिए। हकीम साहब से जी बताइए सुजाता जी।
जी सर, मुझे थायराइड है उसके लिए पूछना है, मतलब दवाइयाँ खाती हूँ तो मतलब ऐसे नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन एज कितनी होगी आपकी? एज 28। ठीक है। अच्छा सुजाता बच्चा, देखो थायराइड का इलाज हो सकता है अगर आप 7-8 महीने करें, फिर इससे आपको निजात मिल जाएगी। और वो नुस्खा ये है कि धनिया लें 300 ग्राम, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम गौन मोरिंगा। गौन मोरिंगा भी असली वाला लें, सफ़ेद वाला, गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला। तो इसको पाउडर बनाएं, एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाएं, वो गोली भी खाएं जो डॉक्टर देता है। और ये अगर आप 7-8 महीने लगातार खा लें तो आपका थायराइड से निजात मुमकिन है। बिल्कुल, तो आपका थायराइड बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बल्कि बढ़ भी नहीं पाएगा अगर आप ये नुस्खे अपनाती हैं। तो अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं और डिटेल में बात करना चाहती हैं, उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ भागलपुर से हैं रामाशंकर प्रसाद जी, स्वागत है आपका। बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, ऐसा है कि मैं किडनी ग्रसित रोगी हूँ और मैं पिछले दो साल से बहुत परेशान हूँ। मेरा किडनी में बल 1.65 है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा उसके लिए कुछ उपाय मतलब बताया जाए। एक्चुअली मेरे पाँव भी बहुत स्वेलिंग रहते हैं। जी जी जी, किडनी के है ना? जी जी जी। हाँ, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है किडनी का क्रिएटिनिन, गुर्दे की गंदगी को कहते हैं, किडनी की गंदगी को क्रिएटिनिन कहते हैं, और इसका बढ़ना अच्छा नहीं है। और इससे निजात भी मुमकिन है, अपनी डॉक्टर की हिदायत पर भी चले, लेकिन एक नुस्खा बड़ा अच्छा है, वो ये है कि जैतून आता है, जैतून, उसका नमक कहते हैं, नमक जैतून आप ले लें 100-200 ग्राम, और आधा ग्राम एक गिलास पानी में मिलाकर रोज़ पी लिया करें, एक बार या दो बार जैतून का नमक। तो आप देखेंगे कि ये आपका जो क्रिएटिनिन है एक ही महीने में कंट्रोल आ गया, लेकिन आपको काफ़ी दिन तक पीना चाहिए ताकि किडनी अपना काम ठीक से करने लगे। भोपाल से राधा हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते मैम। हाँ जी बोलिए। मुझे ना 8-10 साल हो गए, मैं जुकाम बना रहता है। जुकाम रहता है? हाँ, 12 महीने रहता है मेरा जुकाम। ये होता जी, ठीक है। मैं ना वो दवाइयाँ खाती रहती हूँ, वो सिट्रीजन एलर्जी की, क्योंकि मैंने इलाज तो बहुत करवा लिया लेकिन मुझे आराम ही नहीं मिलता, और आयुर्वेदिक का करवाया तो उससे ना और बढ़ जाता है मुझे। ठीक। एक तो बच्चा आपको खट्टी चीज़ें छोड़नी होंगी, बाहर की चीज़ें, खट्टी चीज़ें, ये ज़रूरी है। और 5 बार गर्म पानी पीना होगा, और माजून आर केयर सुबह और शाम, सुबह खाली पेट यानी निहार मुझे से कहते हैं, और रात को सोते समय 5-6 महीने अगर लगातार आप लेते हैं तो इस रोग से निजात मिलना मुमकिन है। पटना से हमारे साथ स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम क्या है आपका? डॉक्टर नूतन देवी जी। नूतन जी, हमारे दो सवाल हैं। मेरे पति हैं जिनकी उम्र 62 वर्ष है, ठीक है, उनके कमर एक बार गिर गए थे जिसमें कमर का L4 जो है थोड़ा घसक गया है, है ना, उसमें जो बहुत ज्यादा दर्द होता है, चुभन जैसा दर्द होता है घुटने से लेकर पैर तक। और वो आपके यहाँ से गौन स्याह मंगवाया था, वो गौन स्याह ले रहे थे, गौन स्याह ले रहे थे तो उसमें बहुत ज्यादा खुजली होने लगी, तो फिर आप ही के यहाँ से पूछने पर कहा उन्होंने कि सोडा डाल के, खाने का सोडा डाल के खाइए, तो पूरे आपका रिलीफ मिला है, एक टाइम कर दिया। और मुझे भी थायराइड है। पहले उनका बताइए, पति, आपके पति को फायदा शुरू हो गया?
दर्द में तो थोड़ा आराम है लेकिन वही पूरे बदन में दाने दाने हो गया और मुझे भी हो रहा है पूरा दाना। ठीक है ठीक। आप खुजली बहुत हो रही है सर, है ना? और हमारे भी पैर हाथ में बहुत दर्द है, कमर से लेकर पैर तलवा तक में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, आपको कुछ फायदा शुरू हुआ दर्द में? जी हमें भी थोड़ा फायदा है दर्द में, हस्बैंड को भी थोड़ा फायदा है दर्द में। ठीक है ना सर। और यही घमौरी दाने जैसा है पूरे बदन में। कितने दिन हो गए आपको यूज करते हुए? कितने दिन हो गए? ये 20 दिन हो गए सर। ठीक है ठीक है। अच्छा आप बहुत बेफिक्र रहिए, कुछ लोग नाजुक मिजाज होते हैं तो उनको थोड़ी मकदार दवा की पोटेंसी कम कर लेनी चाहिए, आपने वो कर ली। और अलसी भून कर पाउडर बना लें और एक एक चम्मच रोज़ खाया करें, और सोडा ज़रा सा ही खाना है, आधी चुटकी या एक चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, तो ये आपके जिस्म की हिफाजत करेगा और ये गौन ख़त्म होते होते आप दोनों का ठीक होना मुमकिन है। लेकिन 2-3 बातों का ख्याल रखें, मेहनत ना करें इस दौरान, ख़ासतौर पर आपके पति देव, और वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट होना चाहिए आपके घर में जिस पर वो अपनी ज़रूरत पूरी करें, और आप देखेंगे कि ये 100-200 ग्राम गोंद ख़त्म होते होते आप दोनों को दर्द से निजात मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है गुजरात से फातिमा बानो हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए, सवाल करिए बोलिए। गले में सांकड़े होते हैं ना? गले में सांकड़े होते हैं ना, कोकड़े, टॉन्सिल की शिकायत है। अच्छा किसको है, कितनी उम्र के मरीज हैं? मेरी सिस्टर को है। नहीं उनकी एज होगी ना, उनकी एज बताइए तकरीबन अंदाजन। उनकी उम्र क्या है? 19 साल। ठीक है। अच्छा देखिए घरेलू नुस्खा भी बताता हूँ और बाकायदा इलाज भी बताता हूँ। घरेलू नुस्खा ये है कि आप लिसोड़ा उन्नाव, लिसोड़ा उन्नाव और अलसी को 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं जो किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं। गरम मसालों में 1.5 इंच की जो लंबी सी खूबसूरत सी काली सी पीपल होती है वो 30 ग्राम मिलाएं, पाउडर बनाएं और आप एक एक चम्मच सुबह शाम गरम पानी के साथ लें और 5 बार गरम पानी पिएं। अपनी सिस्टर से कहें 5 बार गरम पानी खूब पिए, और वैसे इसके लिए बाकायदा इलाज भी कर सकते हैं। माजून आर केयर सुबह शाम लेने से इनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और इनका ठीक होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर है हरियाणा से पूजा हमारे साथ, स्वागत है पूजा जी। नमस्ते जी। नमस्कार, मुझे हकीम सर से बात कर लीजिए। जी पूजा जी आदाब, बताइए क्या सवाल है? सर वो मुझे ना केस पे कील मुआ से बहुत हो रहे हैं, मैंने डॉक्टर से भी दवाई ली लेकिन तब मैं दवा लेती हूँ तब तो ठीक रहती हूँ, उसके बाद फिर हो जाते हैं, फुंसे हो जाती है पिंपल, और उसके बाद मेरे फेस पूरे पे खुजली चलती है और नेक पे गर्दन पे भी चलती है, कभी कानों में चलती है और एक बाल बहुत झड़ते हैं मेरे। ठीक, तो देखिए इन सब का एक इलाज बड़ा अच्छा है अगर आप कर लें। और देखिए एक गोंद आता है गोंद मोरिंगा, ये आधा ग्राम ये रॉ मटेरियल ले लें और आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर आप पी लिया करें, ये आपकी सारी समस्या का निदान मुमकिन है। बिल्कुल, तो पूजा जी आपकी जो परेशानी है वो बहुत छोटी सी है, सिर्फ आपको ये नुस्खे अपनाने हैं और फिर देखिएगा कितना खूबसूरत चेहरा आपका हो जाता है, पिंपल्स आपको नहीं होंगे और जो भी आपको स्किन रिलेटेड कोई और दिक्कत परेशानी है वो भी आपकी ठीक हो सकती है। तो नुस्खे अपना लीजिएगा, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग भी नुस्खे जान सकते हैं, सीधा आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाई जा रही है।